हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड एंड स्टॉक। IRCTC के अंदर नया 52 वीक हाई लगा है 2680 रुपए का आज 9 अगस्त 2021 को। इसके पीछे के देखिए जो कारण है उसको अलग अलग रोग अलग अलग राय के अंदर समेटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि कोविड से बाहर आ रही है सिचुएशन इंडियन रेलवे की और हर तरफ हमने देखा है कि इंडियन रेलवे की बुकिंग बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। यहां तक कि देखिए ये चीज भी एनालिसिस में आई है कि सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स 35% मोर बुकिंग्स ट्रैवलिंग के लिए इंडियंस ने कराई है। यानी कि ऑल ओवर जो एविएशन इंडस्ट्री है और साथ ही साथ जो हमारी रेलवे है उन दोनों के अंदर काफी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है आने वाले 3 महीनों में, जब सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग होने का अनुमान है पूरे 1 से 1.5 साल के पीरियड के दौरान। तो इसमें एक राय तो ये बन रही है कि देखिए यहां पर अनलॉक हो रहा है सिचुएशन एंड रेलवे ज्यादा से ज्यादा दौड़ रही है और भी ज्यादा रेलवे के ऊपर से जो रेल चल रही थी उनपे से रिस्ट्रिक्शन हटाए जा रहे हैं, इसीलिए इनका बिजनेस बढ़ेगा और इसलिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। लेकिन एक और न्यूज है इस स्टॉक के अंदर जो मैंने एक्चुअली कवर करी थी सेपरेट वीडियो में, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 12 अगस्त 2021 को इस कंपनी के Q1 रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब ये कंपनी अपने Q1 रिजल्ट्स को सामने लेके आएगी। और साथ ही में उससे भी बड़ी खबर है कि जो रिकमेंडेशन का एक प्रपोजल देना है कंपनी को वो भी 12 अगस्त 2021 को ही देने जा रही है। फेस वैल्यू 10 रुपए है IRCTC की और इसका सब डिवीजन करने की प्लानिंग है कि इसको और ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि 2500-2600 रुपए के आसपास का यह स्टॉक है। इसको और ज्यादा लोगों तक रीचेबल बनाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए, यानी कि टिकट साइज को कम करने के लिए यहां पर एक खबर आती हुई दिखाई दे रही है। तो 12 अगस्त इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से शायद आज इसके अंदर इतना बड़ा तेजी देखने को मिली है। जब 7% की तेजी के साथ में IRCTC जैसे हैवी टिकट साइज स्टॉक 172 रुपए लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से ऊपर है, तो दोनों न्यूज मैंने आपको बता दी है क्या इंपैक्ट है। क्योंकि देखिए एशिया की सबसे बड़ी रिजर्वेशन बुकिंग कंपनी है IRCTC, इतने टिकट्स बुक होते हैं इस वेबसाइट से कि इनके रेवेन्यू के अंदर मल्टी फोल्ड इंक्रीज होने के चांसेस है ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर। तो वो एक इंपैक्ट डालेगा और ये जो इंपैक्ट रहेगा ये दिसंबर तक कंटिन्यू रह सकता है अगर कोई थर्ड वेव की आहट नहीं होती। आज का कैसा स्टैट रहा है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में किस तरीके से पोजीशंस बनानी चाहिए वो भी कोशिश करते हैं जानने की। देखिए 172 रुपए के आसपास ये स्टॉक आज बढ़ा है और 13% से भी कम डिलीवरी पोजीशंस यहां पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहां पर एक इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि कल एकदम से इस स्टॉक के अंदर आपको बाइंग पोजीशंस नहीं बनानी है, थोड़ा सा रुकना है, वेट करना है, देखना है क्या कुछ सिचुएशन नजर आ रही है। डेली चार्ट पर आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन है एंड ये जो कैंडल की फॉर्मेशन है पीरियोडिकली अकर हो रही है कुछ दिनों के बाद। आप ये देखिए यहां पर एक अकरेंस है, यहां पर एक अकरेंस है, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर एक गैप अप है। तो ऑलमोस्ट देखिए हर एक साइकिल के बाद में ये स्टॉक अपने लेवल्स को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन क्लियर यहां पर दिखाई दे रही है एंड सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर टेक्निकली हम लोग बात करें कि कैसे स्टॉक के अंदर पोजीशन बनानी चाहिए, तो यहां पर आप देखिए RSI ऑलरेडी इसके ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, 81 पॉइंट्स के आसपास की इसके लेवल्स है और ये हाईली अनस्टेबल है। यानी ये कुछ दिन यहां से गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस साइकिल्स में देखा है कि स्टॉक जब भी बढ़ता है हल्की सी गिरावट या कंसोलिडेशन का मोड दिखाता है, तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। 12 तारीख की अभी डेट है, ज्यादा बड़ी गिरावट होने के चांसेस नहीं है, बहुत कम डाउनसाइड है, यानी कि डाउनसाइड लिमिटेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे लेवल्स के लिए, अच्छे प्रॉफिट्स के लिए इसके अंदर प्ले करना है तो शायद 1 से 2 दिन का आप इसका मूवमेंट ट्रैक करें, कितना नीचे आता है, कहां से रिवर्सल लेता है। जहां से भी रिवर्सल ले वहीं पर आपको पोजीशन बना लेनी है एंड स्टॉप लॉस देना है प्रीवियस स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो को आप स्टॉप लॉस बनाइए। और इसके टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए डिफाइन नहीं किए जा सकते, इतने बड़े टारगेट्स भी इसके अंदर आ सकते हैं क्योंकि ये जो खबर होगी अगर ये इसके ऊपर अप्रूवल आता है मिनिस्ट्री का, रेलवे मिनिस्ट्री का, तो ये स्टॉक फिर 3000 रुपए के ऊपर भी निकलता हुआ दिखाई देगा नियर फ्यूचर के अंदर। नियर कुछ ट्रेडिंग सेशंस में 3000 के लेवल्स भी क्रॉस कर सकता है क्योंकि अभी इस सीरीज के अंदर बहुत बड़ी ड्यूरेशन बची हुई है। 12 अगस्त की मीटिंग के अंदर क्या डिसीजन आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस स्टॉक के अंदर क्या कुछ और बड़े लेवल्स आ सकते हैं। तो इसलिए 2 से 3 दिन आपको वेट एंड वॉच की पोजीशंस बनानी है, 12 अगस्त को किस तरीके का मोमेंटम रहता है वहां से आपको बेसिकली RSI को वॉच करते हुए फिर उसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या फिर एक पोजिशनल ट्रेड के लिए व्यू सर्च करना चाहिए। तो ऑल ओवर ये न्यूज है
एंड ये मूवमेंट है आईआरसीटीसी का जो मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इसको आप रडार पे रखिएगा, पोटेंशियल स्टॉक है आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में अगले स्टॉक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।